नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांशु और स्वागत है आपका आज किसी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में भाई स्कूल बस तो दिख गई होगी, ठीक है, कौन सी है वो मैं पहले बता देता हूं आप लोगों को। ये रहने वाली है टाटा की मार्को पोलो की स्कूल बस। ये 53 प्लस एक्सीडेंट प्लस ड्राइवर की कॉन्फिगरेशन में आ जाती है। वहीं जो इसके नीचे चेसिस रहने वाला है वो रहने वाला है भाई 712-45 वाला। अब आप लोगों के लिए मैंने वीडियो जो बनाई थी वो बनाई थी चेसिस की, सिर्फ चेसिस की 712-45 की चेसिस की। और उसके बाद में मैंने एक और वीडियो बनाई थी, नहीं उससे पहले बनाई थी एक और वीडियो बनाई थी जिसमें ऐसी ही बॉडी थी, स्कूल बस ही थी, 712-45 ही थी, बट वो प्राइवेट बॉडी बिल्डर के द्वारा बनाई गई थी और पुराने फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ में बनाई गई थी। ये नए फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ में मार्को पोलो बिल्ट बॉडी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इसके साथ में। तो इसमें आप लोगों को 4SPCR वाला इंजन देखने को मिल जाएगा जो कि 125 HP की पावर और 350 Nm का टॉर्क निकाल के दे देगा। और वहीं 310 mm की क्लच मिल जाती है, 5-speed मैनुअल गेयरबॉक्स मिल जाता है केबल शिफ्ट वाला, और जैसे तो आपने देख ही देखा है ना सारा क्या क्या कहाँ कहाँ क्या क्या कुछ कुछ मिलता है, तो इतना आप लोगों को इसमें सोचना नहीं पड़ेगा। उसी के साथ में ऐसा कुछ फ्रंट फेशिया मिल जाता है, मार्को पोलो डिज़ाइन मिल जाती है, मार्को पोलो बिल्ट मिल जाती है, क्रॉस फंक्शंस में वाइपर मिल जाते हैं, अपर आप लोगों को क्या मिलेगा ब्लाइंड स्पॉट मिरर मिल जाएगा, इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, डबल बीम्स वाले हेडलैम्प्स मिल जाएंगे ये दो, और ये इंडिकेटर चेसिस में भी आता है, याद करो वो पीछे वाला वीडियो, ठीक है। फॉग लैंप्स की स्पेस मिल जाएगी, फाइबर फेशिया मिल जाएगा, फाइबर आप लोगों को रियर फेशिया मिल जाएगा, साइड बॉडी आप लोगों को मेटल वाली मिल जाने वाली है, और क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, 7.5R16 वाले LT के टायर्स मिल जाएंगे, पैराबोलिक सस्पेंशन मिल जाएगा, एंटी रोल बार्स मिल जाएंगी, 4500 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाएगा, वहीं 8000 kg का GVW इसमें देखने को मिल जाता है। अभी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो पास से एक्सप्लोरेशन शुरू कर देते हैं। तो रिव्यू स्टार्ट ही कर रहे हैं तो इसकी की से क्यों ना स्टार्ट करें, तो की आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेगी, थोड़ा धूप में दिखाते हैं, की आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेगी, डेफ की और फ्यूल की आप लोगों को अलग देखने को मिल जाएगी, आराम से देख लो टाटा के लोगों के साथ में, दोनों साइड में ऐसी की देखने को मिलती है। उसी के साथ में फ्रंट फेशिया में आप लोगों को मार्को पोलो की ब्रांडिंग, टाटा का लोगो और डबल स्प्लिट ग्रिल का कॉन्फिगरेशन देखने को मिल जाएगा। बीच में लाइसेंस प्लेट के लिए पोजीशन मिल जाएगी और नीचे टोहोक लगाने के लिए जगह मिल जाएगी, देखो वहाँ पे, और इसमें लंबा वाला टोहोक लगेगा जो कि आप लोगों को इसके एसेसरी पार्ट्स में मिल जाएगा। वहीं डबल बैरल में हेडलैम्प्स का कॉन्फिगरेशन मिल जाने वाला है और थोड़ा स्माइली फेस सा लगने वाला है, ये फ्रंट फेशियास का देखने को मिल जाएगा। क्रॉस फंक्शंस में वाइपर मिल जाएंगे, इतना बड़ी वन स्क्रीन मिल जाएगी, ब्लाइंड स्पॉट मिरर मिल जाएंगे, अपर मार्कर लाइट्स LED में देखने को मिल जाने वाली है, साइड में रियर व्यू मिरर्स मिल जाने वाले हैं, और इसके पीछे रेडिएटर वाला कॉन्फिगरेशन तो रहता ही है, आप लोग पहले चेसिस देख चुके हो तो वापस मत बताना, थोड़ा सा कॉन्फिगरेशन बता देता हूँ। देखो एम्बिएंट लाइट का फंक्शन आप लोगों को इंटीरियर सलून लाइट्स में देखने को मिलेगा, तो ऐसा कुछ कॉन्फिगरेशन इसमें रहने वाला है। साइड से अगर बात करें तो ड्राइवर के लिए स्टेपर्स का कॉन्फिगरेशन मिल जाएगा, और ये एक पूरा ड्राइवर का गेट मिल जाने वाला है, गेट पे ही आप लोगों को RVM की माउंटिंग मिल जाएगी, ऊपर रेन गाइड मिल जाएगी, मतलब रेन वाटर से बचाने के लिए गाइड मिल जाएगी इस विंडो को, ये विंडो ओपनेबल होता है, वैसा कॉन्फिगरेशन मिल जाएगा। टायर्स की अगर अपन बात करें तो 7.5R16 वाले LT के टायर्स मिल जाएंगे, 7.5R16 वाले LT टायर्स का मिल जाएगा जो कि 16PR के रहने वाले हैं, वहाँ भाई 16PR का टायर मिल रहा है, बड़ी अच्छी बात है। पैराबोलिक सस्पेंशन मिल जाएगा, एंटी रोल बार मिल जाएगी, और अंदर से कॉन्फिगरेशन कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, जैसे आप लोगों ने देख लिया तो वापस ही शिकायतें मत करना। इधर डेफ का कॉन्फिगरेशन मिल जाएगा जो कि 18 लीटर का रहने वाला है, वहीं 90 लीटर का फ्यूल टैंक का कॉन्फिगरेशन इसमें देखने को मिल जाएगा। और चेसिस और इसमें एक डिफरेंस भी दिखाता हूँ क्या मिलेगा, इसमें आप लोगों को मेटल फ्यूल टैंक देखने को मिल रहा है और चेसिस में आप लोगों को SDEP वाला फ्यूल टैंक देखने को मिल रहा था। एमरजेंसी एग्जिट का साइड में ग्लास मिल जाएगा और सारे विंडोज पे बाकी आप लोगों को गार्ड रेल्स का कॉन्फिगरेशन देखने को मिल जाएगा। 4500 mm की व्हील बेस देखने को मिल जाएगी, रियर में ड्यूलीज मिल जाएंगी, एयर ब्रेक के कॉन्फिगरेशन में आ जाती है, रियर सस्पेंशन भी पैराबोलिक रहने वाला है और साइड मार्कर लाइट का कॉन्फिगरेशन कुछ ऐसा रहने वाला है। उसी के साथ में रियर में एमरजेंसी एग्जिट मिल जाएगी जिसपे गार्ड रेल्स का कॉन्फिगरेशन नहीं है, एमरजेंसी की ब्रांडिंग है और रेन वाटर गाइड का कॉन्फिगरेशन है ही, ग्रैब हैंडल है, स्टेपर्स है, और एक और चीज़ दिखाऊंगा अच्छे से दिखाना बाद में। ऐसा कुछ इसका बैक प्रोफाइल रह जाएगा जिसमें आपको 5 पार्किंग सेंसर्स, टाटा मार्को पोलो की ब्रांडिंग, स्कूल की ब्रांडिंग, स्कूल बस की ब्रांडिंग और एमरजेंसी एग्जिट, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप का कॉन्फिगरेशन भी मिल जाएगा, अपर मार्कर लाइट्स का LED में कॉन्फिगरेशन मिल जाएगा, साइड में जो रियर टेल लैंप्स रहने वाले वो आपको हैलोजन में देखने को मिलने वाले हैं, और थोड़ा सा नीचे कोई टैंक दिख रहा होगा अभी दिखाते हैं चलो। ये कुछ आप लोगों को जो FPS और FAPS वाले टैंक्स देखने को मिलने वाले हैं वो देख लो, एक टैंक आ रखा बीच में और ये एक टैंक आ रखा साइड में, तो इनका कॉन्फिगरेशन अंदर से दिखाएंगे ये क्या काम कर देते हैं। स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट भी साइड देखने को मिल जाएगी, जो पीछे वाला ओवर हैंग में आप लोगों को स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट मिल जाएगी, ये सारे विंडो रेल्स मिल जाएंगे और
ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। 12 वोल्ट का बैटरी सिस्टम मिल जाता है, 75 एम्पीयर की बैटरी मिलती है जिसमें 100 एम्प आवर का आप लोग अल्टरनेटर देखने को मिल जाता है। इसके पीछे बैटरी का सिस्टम मिलता है, स्टेप एक्सटेंडर्स मिल जाते हैं और कुछ ऐसा और भी मिलता है। पीक विंडो मिल जाएगा, एयरबॉक्स के लिए इसके पीछे देखने को मिल जाएंगी, जैसे इसमें दिखाया था वापस मत बोलना। एक कॉन्फ़िगरेशन मिलने वाला है, इसमें स्टॉप का साइन वगैरह मिल जाएगा, सीजर टाइप के डोर्स मिल जाएंगे, ग्रैब हैंडल मिल जाएगा। बाकी ये वाला आप लोगों को बटन देखने को मिल जाएगा जिससे यहाँ से टच होगा, ड्राइवर को पता लग जाएगा कि ये गेट खुला है या बंद है। इजी स्टेप्स का इनग्रेस मिल जाएगा, एंटी स्लिप मैटिंग्स वगैरह मिल जाएंगी, सीट बेल्ट का कॉन्फ़िगरेशन इन सीट पे, हैंड रेस्ट का कॉन्फ़िगरेशन भी सीट पे मिल जाएगा। 3x3 में ये कॉन्फ़िगरेशन सीटिंग का आ जाता है इस बस के अंदर। सीटिंग कम्फर्ट भी बताएंगे, वैसे सीटिंग कम्फर्ट मैं पहले बता चुका हूँ तो वो आप लोग पुराने वाले वीडियोज में जाके देख लेना। और ये कुछ ऐसा फीचर रहेगा, फायर अलार्म्स रहेंगे फायर डिटेक्शन के लिए, जैसे स्मोक डिटेक्शन के लिए ये सिस्टम रहेगा, आग बुझाने के लिए ये सिस्टम रहेगा, फायर अलार्म्स रहेंगे। और ये सिस्टम देखो तीन तीन में रहेगा, 1, 2 और 3, तीन कॉन्फ़िगरेशन में रहने वाला है। और इंटीरियर में LED सेलून लाइट्स का कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाएगा। और सीट्स के पीछे की बात करें तो सीट्स के पीछे भी आप लोगों को ग्रैब हैंडल्स का कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाएगा, सीट के साइड में भी ग्रैब हैंडल्स का कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाएगा, अंडर सीट स्टोरेज मिल जाएगी, अपर हेड रैक्स मिल जाएगी, हेल्प के बटन ऑलमोस्ट आप लोगों की हर सीट पे देखने को मिल जाने वाला है। स्टॉप का बटन भी मिलेगा, यहाँ पे आके दबा दो, ड्राइवर को पता लग जाएगा कि आपको उतरने का कॉन्फ़िगरेशन है। दूसरी बात, जो FDSS आता था उसका टैंक ये रहा, जो नया वाला आया था ये मैंने दिखा दिया था। अब की बार भाई बड़ा आया यार फायर एक्सटिंग्विशर, पहले इतना बड़ा नहीं आता था, इससे थोड़ा छोटा आता था, अब की बार बड़ा आया है, काफ़ी इंप्रूवमेंट है। सीटिंग की सीट मिल जाएगी, डेस्टिनेशन बोर्ड मिल जाएगा और ऐसा ड्राइवर का कॉकपिट व्यू देखने को मिल जाएगा। डैशबोर्ड तो ये दिख रहा है और पास से भी दिखा दूंगा, मत टेंशन लो। डैशबोर्ड में क्या क्या फीचर्स मिल जाएंगे, बॉटल होल्डर और कुछ रखने की स्पेस, ये अपना जो पगोडा कवर होता है, गियर कवर अपन इसको बता देते हैं, गियर कवर मिल जाएगा, बाकी सारे सिस्टम्स वहाँ देखने को मिलने वाले हैं और चीज़ें पास से दिखाएंगे। तो काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स के साथ में ड्राइवर भी सेफ्टी भी अच्छी रहनी चाहिए, इसलिए इसमें आपको सीट बेल्ट का कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाएगा जो कि रिटेंशनर वाला है। जैक यहीं पर ड्राइवर को पास में ही मिल जाएगा, जैसे मैगनीज होल्डर, बॉटल होल्डर, लॉकर अनलॉकर, गाड़ी वाला सही, ग्रैब हैंडल और स्लाइडिंग विंडोज का कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलने वाला है। अभी चलते हैं ड्राइवर की सीट पे, ड्राइवर की सीट का आप लोगों को एडजस्टेबल मिल जाती है ही। हाइड्रोलिकली पावर असिस्टेड स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा और हाइड्रोलिक पावर असिस्टेड आप लोगों को क्लच देखने को मिल जाएगा। एयर ब्रेक का कॉन्फ़िगरेशन आता है, हैंड ब्रेक यहाँ पे मिल जाएगा, एक्सेलरेटर यहाँ देखने को मिल जाएगा, बाकी बैटरी का मास्टर कट ऑफ स्विच और हैजार्ड लैंप का स्विच यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्लच फ्लूइड की जगह मिल जाएगी, वो एक थे ना येलो कैप आर्क थी यहाँ पे, बस क्लच फ्लूइड उसमें डालेगा। और यहाँ पे हेडलाइट लेलर, यहाँ पे कुछ फ्यूजेस, डेड स्विचेस, ग्रैब हैंडल, की स्लॉट और अंदर चल के बताते हैं। नया वाला स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है तो एडजस्टमेंट कैसे नहीं मिलेंगे इसके अंदर, तो एडजस्टेबल ये स्टीयरिंग व्हील रहने वाला है, इसको आप लोग टिल्ट और ये देखो ये आ गया, टेलीस्कोपिक भी स्टीयरिंग व्हील इसमें रहने वाला है, इसको लगा देता हूँ ऊपर ही। साइड आप लोगों को रीजन ऑन और ऑफ करने के स्विचेस मिल जाएंगे, हैवी लाइट मोड लगाने और उतारने के लिए जगह मिल जाएगी, एग्जॉस्ट ब्रेक वगैरह का मिल जाएगा, ये अपनी इंटीरियर लाइटिंग्स वगैरह का मिल जाने वाला है, ये ड्राइवर के फैन का मिल जाएगा जो कि शीना कंपनी का रहने वाला है, काफ़ी अच्छी हवा देगा। ये अपने डबल स्विचेस में रियर लाइटिंग्स मिल जाएंगी, सिग्नल लाइटर पोर्ट मिल जाएगा, ये वाला पैनल देखो यहाँ से यहाँ पे आता था उस गाड़ी में, काफ़ी अच्छा लगता था उस गाड़ी में, मतलब चेसिस के अंदर। नया वाला इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है, बता देते हैं ये भी खिलेगा ही, वरना आप लोग कंप्लेन करोगे मुझे बताया नहीं। ये देखो नया वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, थोड़ी छाँव करनी पड़ेगी। अरे वो 4-way इंडिकेटर लग गए ना, ये क्यों लगे हैं, मैंने देखो स्विच यहाँ पे बंद है 4-way का, मतलब हैजार्ड लैंप का स्विच ऑफ कर रखा है। और यहाँ पे देखो ये रखा होगा फ्रंट डोर ओपन है ना, इसमें लाइट जल रखी है। अब वो जो सेंसर है ना, जो वो जो सेंसर है ना वो उसमें लगेगा तभी वो फ्रंट डोर ओपन वाला साइन गएगा और ये इंडिकेटर्स का कॉन्फ़िगरेशन जाएगा। अब अपन मीटर की बात बता रहे थे, थोड़ी छाँव करके बताते हैं आपको। इसमें RPM मीटर, ट्रिप मीटर, इसमें RPM मीटर और किलोमीटर पर आर की स्पीड वगैरह मिल जाएगी, बाकी हैवी लाइट मोड मिल जाएगी जिससे हैवी दिखा रखा है, मैंने लाइट में कर दिया। गियर्स भी दिखाता है ये, बस रिवर्स दिखाएगा, न्यूट्रल दिखाएगा, न्यूट्रल दिखा दिया और ये रिवर्स भी दिखाएगा, ये रिवर्स दिखा दिया है ना, बाकी ये कोई से भी गियर नहीं दिखाएगा, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएंगे।
तो नए वाले मीटर में ये सारे कॉन्फ्यूशन देखने को मिल जाएंगे। किलोमीटर पर आवर की स्पीड वगैरह आपको एनालॉग में देखने को मिलने वाली है, आरपीएम मीटर एनालॉग मिलने वाला है, फ्यूल गेज एनालॉग मिलने वाला है, हीट एंड कोल्ड मीटर एनालॉग मिलने वाला है। बाकी बैटरी वोल्टेज एवरेज फ्यूल इकोनॉमी भाई 12.3 किलोमीटर पर लीटर का ये एवरेज दिखाई है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी ठीक है। एक्साइटेड में कुछ ज़्यादा हो गया था। इंजन आवर्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। ऑटो में ये चीज़ें चेंज होती हैं, अप डाउन सेट रीसेट जो भी होते हैं ये सारा सिस्टम इसके अंदर देखने को मिल जाने वाला है। और जो अल्ट्रा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये आजकल हर गाड़ी में आने लग गया टाटा की में, मतलब ये जो बसेस वगैरह आ रही हैं उन सब में ये चीज़ आने लग गई है। A22 T2 T2 बंद नहीं होगा। बाकी जो विंडो बता रहा था वो रहा FDSS और FPSS वाला सिस्टम ये रहा। आजकल ये इंटीग्रेटेड आने लग गया है, इंजन जोन और पैसेंजर जोन दोनों एक अलग अलग आने लगे हैं। सनसीड ये रहा, इंटीरियर IRVM ये रहा, इसमें काफ़ी सारी इसमें सारी बस दिख रही है, काफ़ी अच्छी बात है ये। उस साइड ORVM रहा जिसमें भी कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं बन रहा, और ये मेरा IRV इधर वाला रहा ORVM जिसमें भी कोई नहीं बन रहा ब्लाइंड स्पॉट। जो TMML टाटा का ही ये ग्लास वगैरह बन के आते हैं, काफ़ी सारा टाटा ने अपना ही कर रखा है। जैक रोड वो रही, अभी करते हैं इसकी एंडिंग और बाहर चलते हैं। तो अभी आप लोगों को साइड में बैठा दिया, तो कुछ चीज़ें ऐसी बता देता हूँ। जैसे यहाँ से लेके इस वाले तक की जो आती है वो आती है व्हील बेस, तो 4500 mm की व्हील बेस इसमें देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर रियर तक की बात करें तो 8620 mm की आप लोगों को टोटल लंबाई देखने को मिल जाएगी। 2400 mm का रियर ओवर हैंग मिल जाता है, वहीं 1.4 मीटर का फ्रंट ओवर हैंग मिल जाता है। तो रियर ओवर हैंग, फ्रंट ओवर हैंग, लेंथ, व्हील बेस ये मैंने सब बता ही दी, तो इसमें आप लोगों को 8000 किलोग्राम का ग्रॉस व्हीकल वेट देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ में 2200 से लेके 2340 mm की आप लोगों को इसमें टोटल लंबाई देखने को मिल जाएगी, मतलब दो चौड़ाई में आ जाती है ठीक है। अंदर सीटिंग के हिसाब से इसकी चौड़ाई फर्क पड़ जाता है, 2200 से लेके 2300 ठीक है, 2340 ले लो यार ठीक है, इतना भी टू बी एग्जैक्ट मत जाया करो। 17.5 मीटर की टर्निंग सर्किल डायमीटर मिल जाएगी, और क्या चीज़ देखने को मिलेगी ये बस आप लोगों को श्री गंगा फोर व्हीलर्स प्राइवेट लिमिटेड पे देखने को मिल जाएगी। क्वांटिटी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। थोड़ा सा रैपअप दे देता हूँ इसकी गाड़ी का मैं आप लोगों को। 4SPCR वाला 125 PS की पावर रखने वाला इंजन आपको उसमें मिलता है, जो कि 350 Nm का टॉर्क, 310 mm की क्लच, केबल शिफ्ट का, 5 स्पीड का गियर बॉक्स और कौन और क्या पैराबोलिक लीफ सिंक्स भी लेके आता है। 7.5 R16 वाले LT टायर्स लेके आता है, फ्रंट में एंटी रोल बार लेके आ जाता है, मार्कोपोलो की ये बॉडी लेके आ जाता है, मार्कोपोलो द्वारा बनाई गई ये बस लेके आ जाता है मेरे चैनल के ऊपर। इसमें अब आप लोगों को क्या करना है, दो तीन चीज़ें कर जाना, मैं खुश आप खुश। कमेंट सेक्शन में बता देना ये वीडियो कैसा लगा और कौन सी व्हीकल्स का आप लोगों को वीडियो चाहिए, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, उसकी टेंशन मैं नहीं करता कभी भी। बाकी बेल आइकन दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन आते रहे सारे। तो मिलते हैं ऐसे किसी एक और वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।